देखो भारतीय परंपराओं में जो हमारी सनातन परंपराएं उसमें सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सन को ध्यान से समझो, सन हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में 8 क्लॉक होते हैं, 8 घड़ियां होती हैं, और हमारे योग परंपराओं में सब कुछ सन सिंक्रोनस है, मतलब सूर्य से हमारी चीज़ें, यहाँ तक कि हमारा जो भोजन भी है वो इस नाड़ी से जुड़ा हुआ है, इसको सूर्य नाड़ी या इडा बोलते हैं। योग परंपराओं में जो 21 जून का दिन है उस समय ऐसा माना जाता है कि आज जो सूर्य है वो ग्रीष्म, आज हमारा जो है समर सोल्स्टिस है, ग्रीष्म अयनांत है, अब इसके बाद सूर्य कर्क रेखा से निकलकर मकर रेखा की तरफ जाना शुरू कर देता है, और आज के दिन कर्क रेखा पर सीधी रेखा जो है वो वर्टिकल लाइंस पड़ती हैं, ठीक है, यानी कर्क रेखा पर आज परछाई नहीं बननी चाहिए कायदे से अगर देखा जाए, और इसके पश्चात कभी सूर्य जो है इसके आगे नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ सूर्य को हमेशा जो है, अगर आपने देखा होगा भारतीय परंपराओं में, तो सूर्य को सुबह उठ के अर्घ देने की एक परंपरा है। मैंने आपको बताया था इसका संबंध कोई धर्म से नहीं है, हमारे यहाँ तो ये था कि भाई बचा रहे इसलिए धर्म से जोड़ दिया गया। हर चीज़ विज्ञान है। अब विज्ञान क्या है यहाँ पे? विज्ञान ये है कि सुबह उठ के जैसे ही आप, जब सूर्य उग रहा होता है तो जैसे ही आप उसको अर्घ देते हो उसकी तरफ देखते हो, जैसे ही देखते हो आपकी जो पुतलियाँ हैं वो ओपन होती हैं, और जो फर्स्ट रे है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, और जैसे वो प्रवेश होती है तुम्हारी घड़ी शुरू हो जाती है। जैसे पुरानी घड़ी आती थी ना, चाबी भरते थे, तो इसमें चाबी भरने का जो हमारे ऋषि मुनियों को ये बात पता थी, जैसे ही वो रे अंदर जाएगी तो अंदर कोन्स होते हैं, हमारी आंखों के अंदर कोन्स होते हैं जो कलर रिसेप्टिव होते हैं, वो जैसे ही उसको रिसीव करते हैं, शॉर्ट जो हमारी लॉन्ग वेव्स आती है वो जैसे ही उसको रिसीव करते हैं, आपको पता है कि लाल रंग बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है अन्य किसी कलर के कंपैरिजन में, उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो जैसे ही वो हमारे अंदर जाता है हमारी बॉडी क्लॉक स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वो बॉडी क्लॉक स्टार्ट होती है हम सन के साथ सिंक्रोनस हो जाते हैं, यानी जब हमारा पाचन तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, तो वो जठराग्नि जो होती है जिसे मतलब डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं, वो सन के हिसाब से चलना शुरू होती है। हमें जो नींद आती है, मेलाटोनिन जो सिक्रीशन होता है, वो सन के हिसाब से होता है। तो हम पूरी तरीके से हमारे प्राचीन समय में हम सूर्य के हिसाब से चला करते थे, और आज भी जानवर तुम देखोगे सूर्य के हिसाब से ही चलते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, और वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते जल्दी कि हमें वो प्रॉब्लम हो रही, गैस्ट्रिक हो रही है, डाइजेस्ट दे दो, कभी नहीं होता। वो एक हेल्दी लाइफ जीते हैं और अपना आराम से जो है वो आगे बढ़ते हैं, हम ही नेचर से अगेंस्ट चले गए। तो आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक वो है कि भारतीय परंपराओं में हम लोग इसको आगे लेकर जा रहे हैं, और आप लोग ऐसी चीज़ कर रहे हो जो शायद IAS अकेडमीज़ में तो खैर नहीं होती है। अब योग परंपराओं की बात करें, मैम ने अभी सूर्य नमस्कार कराना शुरू किया, आप लोग करेंगे इसको। सूर्य नमस्कार बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, इसमें 12 पद होते हैं, 12 स्टेप्स होते हैं। योग परंपराओं में याद रखिएगा, भारतीय जो योग है ये लोग इसको एक्सरसाइज समझ के करते हैं, कुछ भी कर लो यार, कहीं से भी शुरू कर दो, नहीं, ये साइंस है। अगर आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे या कभी जीवन में आपको पढ़ने का मौका मिले तो एक बुक आती है APMB, ठीक है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, बहुत फेमस किताब है, ऋषिकेश में जो भी जाता है योग सीखने, अकेला मैं भारतीय था, बाकी सारे विदेशी थे, भारतीय सीखने नहीं आते हैं, मैं अकेला पूरे आश्रम में इंडियन था, बाकी सब विदेशी थे, कोरियन, जर्मन, सब दुनिया से आए थे। तो उनको पहली किताब पढ़ाई जाती है APMB की, बड़ी प्यारी किताब है, योग का वो प्राथमिक किताब मानी जाती है। तो जब वो प्राथमिक किताब है तो ये जो 12 आसन हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे, साइंस है योग में, जितने भी लोग योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपके काउंटर पोजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है काउंटर पोजेस? अगर योग में पहला आसन मैम ने क्या बताया सूर्य नमस्कार का, आगे की तरफ झुकना, तो जैसे ही आप आगे झुकेंगे योग कहता है इसका काउंटर पोज तुम्हें करना है, यानी आपको अगला आसन क्या करना है, पीछे की तरफ जाना है, यानी अगर आप आगे की तरफ खींचे तो पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है, अगर पैर पीछे की तरफ जा रहा है तो फिर वो आगे की तरफ भी आएगा। तो ये जो काउंटर पोजेस होते हैं ये संतुलन का मतलब होता है, योग का मतलब होता है युज, यानी जुड़ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने आप से जुड़ने की प्रतिज्ञा करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि हम अपने आप से जुड़े। हम इस संसार से जुड़ चुके हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन अगर हम देखें तो हम खुद से पृथक हो गए, तो हमें क्या करना होगा, खुद से जुड़ना होगा। तो खुद से जुड़ने का मतलब अपने आप से बात करना, अपने अंदर जाना, तो योग हमें अंदर ले जाने की प्रक्रिया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आसन, बहुत ध्यान से। योग का जो मूल विज्ञान है वो श्वास है, योग का मूल विज्ञान क्या है, श्वास है। जैसे आप अपने हॉस्टल जाते हैं कैसे, व्हीकल से जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, ट्रेन या बस से जाते हैं, अपने अंदर जाने का तरीका योग में क्या बताया गया है, श्वास। तो श्वास ही जो है वो सबसे बड़ा साइंस है, ये संसार का सबसे बड़ा विज्ञान है।
अगर आपने सांस पे सही से काम कर लिया तो आपकी बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बहुत सी समस्याएं। तो आपको क्या करना है, जब आपकी बॉडी दब रही है तो आप सांस को बाहर करेंगे, जब आपकी बॉडी किसी चीज़ को रिसीव कर रही है, अब आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप सांस को अंदर लेंगे। और ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपका ध्यान जरा सा भटका, आपकी सांस भटक जाएगी, बड़ा सिंपल सा है। तो योग कहता है कि शरीर विज्ञान में आप ध्यान का प्रयोग करिए। और ध्यान क्या है, यही तो है कि मैं, ध्यान का पहला मतलब क्या होता है, मैं यही हूँ। माइंडफुलनेस किसे कहते हैं, विपासना किसे, मैं यही हूँ। तो जो यही है वही ध्यान है और यही योगी है। तो योग में हम क्या करेंगे, आज से अपने आप को जब भी है, हेयर आई एम, खाना खा रहे हो तो बस हेयर आई एम, उस खाने का स्वाद लो, रस लो, गंध लो, ये कहता है हेयर आई एम। क्लास में हो तो उस पेपर को जो तुम टच करो उसके उसकी स्पर्श को महसूस करो, हेयर आई एम। तो हेयर आई एम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंडफुलनेस। अगर आपको ध्यान लगाना है तो अपने आप से रोज कह, मैं क्या कर रहा हूँ, और जो कर रहे हो उसका आनंद लो। अगर ये मैट है तो इस मैट के स्पर्श को कितना महसूस कर पा रहे हो, आसपास की चीज़ों को कितना महसूस, उसमें आपको मज़ा आने लगे, संगीत लगने लगे, तो उसको बोलते हैं हेयर आई एम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, इसके बिना नहीं हो सकता। और ये मन कहता है तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं दूंगा, ये भगाएगा। तो हमें क्या करना है, रुकना है, ठीक है। चलिए परंपराओं में शुरू करते हैं। काउंटर पोज, शाबाश, आराम से धीरे धीरे रिलैक्स होकर करना है, सांस को बाहर निकालो, एक्सहेल। चलो पैर आगे, शाबाश, मुझे बस ये देखना है किसके किसके फेसिया मसल्स टाइट हो रही हैं, शाबाश। नीचे की तरफ जाओ, इसको दंड बोलते हैं आप, करो। चलो ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, कोबरा पोज, यस, शाबाश। कोबरा पोज या भुजंगासन का फॉर्म है ये, वेरी गुड फॉर योर स्पाइन, शाबाश। वंडरफुल, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना, ठीक है, वेरी गुड। भुजंगासन, एक पैर आगे, शाबाश। इनहेल, सर ऊपर की तरफ, सामने की तरफ, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। क्या हुआ, नहीं खिंच रहा है, टाइट है, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। पूरा ये ग्रीवा से ऊपर खिंचेगा पूरा, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। घबराना नहीं है, ट्राई करो, चलो आगे की तरफ झुको, काउंटर पोज, बिल्कुल सही है, चलो शाबाश। पर्वतासन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पर्वतासन। एड़ी को जमीन पे लगाओ, एड़ी को नीचे की तरफ खींचो, इस ये खींचना चाहिए काफ मसल्स, चलो एड़ी को लगाओ पीछे, चलो शाबाश। देखें जरा किसमें कितना है दम, दर्द हो रहा है, करंट लग रहे हैं, हाँ चलो खींचो, चलो चलो चलो। किसको 12 स्टेप याद हुए, वो देखो चेहरा देखो, अभी तुम्हारी एज कितनी हो गई है, जो किसको यहाँ झटके लगे, किसको झटके, अरे सबको लगे हैं पर्वतासन करने में। एक बार फिर से पर्वतासन करा दें, सिंपल। ये तुम्हें क्या बता रहा है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने तुम्हें पहली क्लास याद होगा, मैंने बताया था कि आपकी एक प्लास्टिक, इसको फेसिया बोलते हैं, जो यहाँ से शुरू होती है, जो न्यूरॉन कनेक्टर होते हैं, और तुम्हारी एड़ी तक जाती है, बताया था। तो पहले दिन जब मैं बता रहा था तो बहुत लोग सोच रहे थे, ओजांग सर क्या ये बेवजह की बखान करते रहते हैं, हमें पता था आज नहीं तो मैं कल तुम्हारा टेस्ट तो ले ही लूँगा। तो आपने जब फेसिया मसल्स, मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे आप कुर्सी पे बैठोगे, चेयर पे, ये टाइट होती जाएगी, अभी ये दर्द और बढ़ेगा, ये दर्द इतना बढ़ेगा कि तुम 15-20 मिनट से ज़्यादा चेयर पे बैठ ही नहीं पाओगे, तुम्हें हर 15 मिनट बाद बॉडी रिकॉल करेगी चलो जाके रेस्ट करो। अब तुम्हें आने वाले टाइम में तुम्हारा टाइम टेबल मैंने 13 घंटे का बनाया है, और तुम्हारा धीरे धीरे अपने आप ये कम हो, तो ये जो गैप होगा ना, यही फेलियर का रीज़न होता है, कि आगे समय पे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी कि हम, आप ज़्यादा पढ़ो, और आप धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, आपका साथ ही नहीं देगा, आप चाह के भी, फिर वहाँ आएगी फ्रस्ट्रेशन कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो तुम्हें लगेगा मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, फिर वहाँ से आता है ये प्रॉब्लम शुरू होता है, फिर आप अपने आप को क्या करते हो, पर्सनैलिटी में डाउन कर लेते हो। तो किसको किसको दिक्कत हुई, जरा ये झटका किसको लगा, एक छोटा सा आसन कर लेते हैं, चलो हम ही करते हैं, पर्वतासन एक मैम कराऊँ, सिंपल, ऐसे खड़े हो, ठीक है,
पहला आसन ये करना है, अगर किसी को पीठ दर्द है वो नहीं करेगा, सिंपल हाथ को ऊपर लेके जाओ, ब्रीद इन, सांस अंदर, सब कुछ इसके साथ होना चाहिए। अब आराम से नीचे जाओ, देखें, और ये जो पंजे हैं इसको अपने पैरों के पंजे के नीचे लेकर जाओ, ठीक, बस सिंपल सिंपल, बहुत आराम से रिलैक्स, जैसे संगीत बजा रहे हो। ये देखो, सांस छोड़ते ऊपर की तरफ आओ, वेरी गुड। किसको किसको दर्द हुआ? अभी होगा। चलो अब अगला काम करो, सिंपल, जैसे मैम ने बताया सूर्य नमस्कार, तो इसमें आप पैर को पीछे की तरफ ले, हाथों को ऐसे ले करो, पैर को ऐसे पीछे करो, और एड़ी को, बस सिंपल ऐसे एड़ी को जमीन पे लगाओ, पर्वतासन में, और पैर को टोस पे नहीं, एड़ी पे, एड़ी पे, एड़ी पे, चलो एड़ी पे, पैरों को हाथों के बीच का गैप कम करो, चलो हाँ ऐसे, शाबाश, पर्वतासन कराओ, मैम इनको कराइए पर्वतासन, सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे आगे करो, पैर आगे करो, शाबाश, और आगे करो, और आगे करो, और आगे करो, टहलते हुए अपने पंजों से आगे की तरफ आओ, पंजों से आगे की तरफ आओ, कमर का हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, चलो पैर सीधे 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 सीधे, बस ऐसे रुको, एड़ी को नीचे करो, एड़ी को नीचे करो, एड़ी को नीचे करो, शाबाश, और आगे चलो, और आगे चलो, शाबाश, और ऊपर उठाओ हिप पोर्शन को, शाबाश, एड़ी को नीचे करो, एड़ी को नीचे टच करो, चलो, ये हालत है 22-22 साल के बच्चों की है? तुम्हारा गुरु जो है अभी भी फिट है, अरे सिर्फ तुम्हें गुरु जी याद आने चाहिए और कोई नहीं याद आना चाहिए। चलो हाँ, इस तरह देखो, इस आपको क्रॉल करते हुए आगे जाना है, क्रॉल करते हुए, ये गए, अब आप क्रॉल करेंगे, चलिए चलिए, देखो मेरा, चलिए चलिए चलिए, देखिए मैं कर रहा हूं ना, चलिए, घुटने किसी के मुड़ने नहीं चाहिए, शाबाश बेटा बेटा, एड़ी नीचे, एड़ी नीचे, शाबाश शाबाश, एड़ी, देखो तुम लोगों का यही चीज है, तुम लोग मुझसे कहते हो कि आप सर सुबह से लेकर रात तक कैसे काम करते हो, कुछ बॉडी को देना पड़ेगा तब वो काम करेगा, स्ट्रेचिंग पे हमेशा ध्यान रखो, बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वेट ऊपर नीचे होता रहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे मैम ने बताया, फर्स्ट ये स्टेप हो गया एक्सहेल, आपकी सांस बाहर, अब इसको क्रॉल करते हुए आगे की तरफ जाओ, और ये एड़ी उठनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये ऐसे रहना चाहिए, अब इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा करंट जैसा लगेगा, करो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर ले रहा हूं ना, चलो ये देखो यहां पे मैं हूं ना, यहां पे, ठीक है, ये हो गया सिंपल, ये रखा एक्सहेल, सिंपल ऐसे हाथ को क्रॉल करो, और ऐसे पैर को पूरा नीचे रहने दो, पैर एड़ी नहीं उठनी चाहिए, चलो करो 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 करो, सबसे पहले पंजे, हाथ के पंजे को पैर के पंजे के नीचे लेके जाओ, ठीक है, सांस बाहर, सांस बाहर, वेरी गुड, अब हाथों से क्रॉल करते हुए आगे की तरफ जाओ, हाथों से क्रॉल करते हुए आगे की तरफ जाओ, बिल्कुल सही है, एड़ी, एड़ी नहीं उठेगी, एड़ी किसी की नहीं उठेगी, अब थोड़ी देर रुक जाओ, 20 तक काउंट करो, आप मत करो, हम करेंगे, क्यों 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 क्यों, पंजा पूरा फैलाओ, पंजा पूरा फैलाओ, वेरी गुड, अरे वाह, ये सबसे बैठी रहती है, सबसे पहले कर लेती है, बहुत सालों तक तुम लोगों ने वर्ल्ड योगा डे पे पोस्टर शेयर किए थे, इस बार आपके पोस्टर शेयर होंगे, ठीक है, बट द थिंग इज, जैसे वो बच्चा अभी देखो एज कितनी कम है, दुबला पतला है, हम लोग कहते हैं दुबला पतला है तो फ्लेक्सिबल है, बॉडी उसकी इतनी स्टिफ है, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बहुत बड़ी, लोगों को ये लगता नहीं है, लोगों को लगता है अरे इच्छा शक्ति होगी तो आईएएस बन जाएंगे, वो जो 98.6% जिनका प्री नहीं निकला उनके अंदर भी इच्छा शक्ति थी, नहीं निकाल पाए, ये डिमांड सप्लाई चीज़ है। तो अभी आपका क्या है, किसको किसको यहाँ पे बहुत दर्द हुआ, ये दर्द हुआ,
दम नहीं है ना, वो बता रहा है कि आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने के अंदर तुम्हारी बॉडी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो डाउन होगा। इसके दो फायदे थे, एक तो आपने इन्वर्टेड किया, आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, आप फ्रेश महसूस करोगे। अब दूसरा आसन हमें करना है जो लाइब्रेरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताड़ासन। क्यों का? और जो अगर ये आसन करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है, जैसे ही आप बेड से उठे हैं सबसे पहले ये आसन होना चाहिए। कभी आपने जानवरों को देखा है? योग ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। तो जानवर क्या करते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो आप सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम ट्री पोज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग के लिए। चलिए मैम शुरुआत करते हैं। क्या करना है इंस्ट्रक्शन, आपको हाथों को इस तरह से लॉक करना है और धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ पंजों के बल जाना है, पूरा जितना स्ट्रेच कर सके, स्पाइन स्ट्रेच होना चाहिए, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। चलिए हाँ, बैलेंस करिए, फोकस एंड बैलेंस, बाहर मत देखो, अपने आप को महसूस करो, अपनी बॉडी को महसूस करो, शाबाश। जितना हो सके खींचे हम डाउन एंड डाउन डाउन, स्लोली सांस अंदर लेते हुए डाउन, सब लोग डाउन, वेरी गुड। हम इसको दोबारा करेंगे, चलिए सांस लीजिए कम से कम 2 से 3 बार, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, सीधे सीधे रहना बेटा, ठीक है। ये सुबह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज होनी चाहिए, और जब भी आप पढ़ाई करके उठें, मैं आपको एक शेड्यूल देने जा रहा हूँ, लाइब्रेरी का शेड्यूल, उसमें हर ब्रेक में आपको ये करना है। ये सबसे पहले क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी में जब हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, आप 1-2 सिटिंग के बाद आप थक जाओगे, नहीं पढ़ाई कर पाओगे, तो ये क्या करेगा, बार बार उसको तोड़ेगा। चलिए फिर से करें, इनहेल, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है और पंजों को ऊपर ऊपर जितना खींच सको, ऐसा लगेगा स्प्रिंग लगाओ, खींचो 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 खींचो, बैलेंस करो अपने आप को, पंजों के बल बैलेंस करो, चलो बताओ मुझे, वेरी गुड, पंजे पंजे, फोकस फोकस, ये ध्यान लगेगा तभी होगा, वेरी गुड, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, शांत करो खुद को, वेरी गुड, वंडरफुल। नीचे है, रिलैक्स, झटके से नहीं, सांस को उतने ही काउंट में छोड़ते हुए, ब्रीदिंग इज एसेंशियल, ट्री पोज इनके लिए जरूरी है, ट्री पोज इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, ठीक है, लेकिन ध्यान से कोई गिरे विरे नहीं, आराम से करना है, पहले समझना है। ट्री पोज जो है हमारा जो दिमाग होता है, देखो योग को हम लोगों ने आसन बना के छोड़ दिया कि कसरत वसरत टाइप का हो गया, नहीं, हमारे दिमाग में 2 हिस्से होते हैं, राइट, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आपका एनालिटिकल ब्रेन अच्छा है, अगर कलर में अच्छे हैं तो आपका जो है वो जो आपका इमेजिनेटिव ब्रेन है वो अच्छा है, लेकिन हमें ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए दोनों को सिंक्रोनाइज करना होता है। योग में ऐसी विधाएं बताई गई हैं जो आपके ब्रेन को सिंक्रोनाइज करती हैं। अब इसी में एक हमारा ट्री पोज है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है मैम, चलिए शुरुआत करते हैं, पहले ध्यान लगाइए, ये करने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, अपने आपको अपने शरीर को, तरीका बताता हूँ, आप मान के चलिए आपके पैर के पंजे आपका हाथ का पंजा है, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, इसमें एक पैर ऊपर की तरफ उठाना है, रखिए थाइस के पास अंदर इनर, एंड जस्ट गेट अप, ब्रीद इन एंड बैलेंस इट, जितना पॉसिबल हो सके बैलेंस करो इसको, चलो करो, आ रहे हम, वंडरफुल, हाथ ऊपर हाथ ऊपर, हाथ स्ट्रेच और ऊपर, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, नीचे आ जाओ, चलो अब दूसरे पैर से, फिर से दूसरे पैर से हम करेंगे, चलिए शाबाश, सेकेंड लेग से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, हाँ, कभी किया एक्सरसाइज, पहली बार हो रहा है, हाँ चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, नहीं हो रहा है होगा होगा, योगा से होगा जस्ट फोकस, फिर से एक राउंड करेंगे, फोकस, अपने अंदर जाओ, बाहर क्या हो रहा है इससे तो मतलब नहीं, कहाँ मैं खड़ा हूँ क्या, आप सिर्फ अपने आप को फोकस करो, जस्ट ब्रीद इन एंड इसको लगाओ और महसूस करो इसको, ये पैर पे ध्यान रहेगा तभी इसको बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कि योगा फोकस बढ़ाता है, दिस इज द रीजन, एंड ब्रीद इन, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स करके बॉडी को बैलेंस करो, लेफ्ट और राइट ब्रेन इस बैलेंस को डिजाइन कर रहा है,
रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर जितना अकड़ा होगा डिसबैलेंस उतने ज्यादा होगे, शरीर जितना रिलैक्स होगा उतना ही आप इसको कर पाओगे। शाबाश, कोई बात नहीं है, हार नहीं माननी है बस। वेरी गुड, हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाओ, स्ट्रेच करो। लेफ्ट लेग, रिलैक्स। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ये आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे की तरफ झुको, तुम्हारी शरीर इतना टफ क्यों है? ये हाथ ऊपर आगे करो, चलो शाबाश, यहां से कर्व बनाओ। लेफ्ट साइड, शरीर इतना टफ क्यों है तुम्हारा, इतना जकड़ा हुआ क्यों है? तुम्हारी एज ऐसी नहीं है। चलो इसको और ऊपर की तरफ उठाओ। चलो कोई बात नहीं, नीचे अब दूसरा पैर करो, सेकेंड लेग, शाबाश। तुम इतने दुबले पतले हो फिर भी इतने स्टिफ क्यों हो? नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं, अभी तुम लोगों की भी हालत ठीक नहीं है, ये चीजें मुझे ध्यान देनी है गुरुकुल में, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। शाबाश, ठीक है, ये कर्व आना चाहिए धीरे धीरे। शाबाश, गुड गुड गुड। जानते हो मुझे क्या पता चल रहा है? ये जो डायरी में 20 मिनट मूव एक्सरसाइज का तुम लोग टिक मार रहे हो ना, वो मुझे पता चल रहा है, लेकिन तुम्हारा पंगा इस बार ओजांग सर से पड़ा है। अभी तक तो ऑनलाइन तो पड़ा था, फिर क्या करते हो? चलो करो एक तो राउंड बहुत और। बेसिक है। मुझे तो कई बच्चों का आश्चर्य हो रहा है, इतने दुबले पतले फ्लेक्सिबल लग रहे, बॉडी इतनी टफ है उनकी, क्या होगा तुम लोगों का आगे पढ़ाई में? चलो वॉरियर पोज करते हैं, लेग इन्वर्ट करो। हाँ चलो हनुमान पोज, चलिए आगे चलते हैं। हाँ हाथ इस तरह से करो, चलो वेरी गुड। ये थाइस के लिए बहुत, नीचे करो, नीचे करो, जितना नीचे कर सको, पर्वत आसन बनाओ। अगर नहीं कर पा रहे तो उठाओ हाथ। शाबाश, तुम तो क्या नाम है, मार्शल आर्ट में रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। हंसी मजाक नहीं, बहुत ध्यान से ब्रीद इन, सांसों पे ध्यान दो। पैर झन्ना रहा, इसका मतलब है तुम्हारी जो फेसिया मसल्स है वो टाइट हो रही हैं। ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक नहीं है, अगर आपके पैर और हाथ फ्लेक्सिबिलिटी में। तुम कभी मार्शल आर्ट कौन सीखा हुआ है, तुम सीखे हुए हो? इधर आओ, आपको बताता हूँ मैं। देखो मैं कोई भी बात बिना साइंटिफिक रीजन के नहीं कहूँगा। लोगों को ये लगता है कि 8 घंटे 9 घंटे का टाइम टेबल बना के और पढ़ने का ड्रामा करके सिलेक्शन हो जाएगा, भूल जाओ। अगर आपकी गाड़ी ही खराब है, पंचर है, और आप कह रहे नहीं साहब आज तो मैं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रेस लगाऊंगा, कसम खाई है मैंने, पता चला गाड़ी पंचर है, तो तुम्हारी ये गाड़ी है, ये बॉडी क्या है, तुम्हारी गाड़ी है, अब ये पंचर है, और तुम कह रहे नहीं साहब मैं तो घर से कसम खा के निकला हूँ IAS बन के लौटूंगा, घंटा लौटोगे तुम लोग ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अगर ये झटके लग रहे हैं तो इसका मतलब है फेसिया मसल्स, ये मार्शल आर्ट सीख चुका है। मार्शल आर्ट में पहले नियम क्या होता है, मैं ताइक्वांडो प्लेयर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग कराई जाती है हमें ताइक्वांडो में। ये नाक को घुटने के बीच में लगाना होता था और ये पैरों को फैला दिया जाता था, दो आदमी थाइस पे खड़े हो जाते थे, ये नियम होता था हमारा, ठीक है, पैर ऐसे फैला के दो लोग इस पे खड़े हो जाते थे, ठीक है। अब जरा तुम बताओ स्ट्रेचिंग, जो सबसे पहले हमारा देखा जाता है जब भी कोई भी आप मार्शल आर्ट सीखने जाओगे, सबसे पहले तुम्हारा ये जो दोनों हाथ है ना, ये इस पे आना चाहिए और नाक इसके साथ जाना। अगर ये तुम्हारा खिंच रहा है इसका मतलब ये टाइट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। धीरे धीरे जब आप चेयर पे बैठते हो, अभी मैंने 13 घंटे का टाइम टेबल बनाया हुआ है, हाँ तो अभी तो मज़ा तो आ रहा है, अभी नया हद हो गई, ठीक है, नया नया कोई भी चीज़ आता है बड़ा प्यारा लगता है, जब धीरे धीरे, इतनी जल्दी बॉडी थोड़े ना बताएगी तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है। ये जो 2-3 महीने बाद तुम्हें अचानक से लगेगा अरे अब आज तो 8 ही घंटा पढ़ पाए, फिर 7 ही घंटा पढ़ पाए, हाँ अरे शुरू हो रहा है, अभी तो शुरू हो रहा है। चलो तो ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, ये फेसिया मसल्स को जो है बना के रखना है और ब्लड सर्कुलेशन को इन्वर्टेड करना है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी आप अपनी एक्सरसाइज में इसको डेली ऐड ऑन करो, सूर्य नमस्कार को, 5 सूर्य नमस्कार तो डेली करो, 5 times कम से कम किया करो, 5 तो किया करो, ठीक है, 12 आसन, आपकी सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है। मैम ने जो अभी ये कराया इससे हमारी थाइस मसल्स ये जो है वो स्ट्रांग होती है, मजबूत होता है। शरीर में जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उसमें कमर के नीचे की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्क्वाट्स जैसे हम लोग मारते हैं जनरली, तो ये क्या होता है स्ट्रेचिंग एंड बैलेंसिंग करेगा। ये जो चीज़ होती है वो हमारे ये जो मसल्स बल्कि होती हैं उसको ओपन करता है।
अगर सूर्य नाड़ी चल रही है, आप कभी भी हाथ लगा के देखना, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप भोजन करेंगे, चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप आराम करेंगे। ये हमारा नियम हुआ करता था। तो अनुलोम विलोम जो है वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना और अपने दोनों ब्रेन को रिलैक्स करना। अगर जिसको सर दर्द की प्रॉब्लम है या लंबी पढ़ाई के बाद वो थक जाता है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। करना क्या है, ठीक है, मैं यहाँ चूंकि खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ, सिंपल। इसमें काउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इनहेल और एक्सहेल। आपको सांस के साथ अपने अंदर जाना है और सांस के साथ बाहर आना है। अब आपको सिंपल ये जो है, सबसे पहले आप अपनी दाहिनी नाक जो है बंद करेंगे, एक नोस्ट्रिल बंद करेंगे। सब लोग शुरू हो जाइए। अब इसके बाद सांस जब आप लेंगे, झटके से नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, आप आराम से 6 5 4 3 2 1 इनहेल, ठीक है, ऐसे। और ये पूरा होगा, पहले समझ लें इसको। फिर जब इससे सांस लेंगे तो आप इससे बंद करेंगे, ये दोनों से आप लेफ्ट बंद करेंगे और राइट से 6 5 4 3 2 1 उतने ही टाइम में आप छोड़ेंगे। अभी ये आधा हुआ है। आप इसके बाद फिर दाहिनी से 6 5 4 3 2 1 सांस अंदर लेंगे और फिर लेफ्ट से उतने ही टाइम में आप इसको छोड़ेंगे। तो जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर जब आप खत्म करेंगे तो एक चक्र पूरा होगा। ये बड़ा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये इसके कई इफेक्ट्स होते हैं। पहली बात, ये ब्रेन को स्टिमुलाई करता है। दूसरा, ये अंदर में जो हमारे जैसे गर्मी के दिन है तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा एक अपने आप को एक बैलेंस भी करता है, नेचर को बैलेंस करता है। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये फोकस करने में बहुत मददगार होता है, ठीक है। तो योगिक ब्रीथिंग सिखाया था, सांस कहाँ जानी है, यहाँ नहीं जानी है, कहाँ जानी है, एब्डोमेन में जानी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, सिंपल स्टार्ट। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, ये ज्ञान मुद्रा है। चलिए, ज्ञान मुद्रा विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को इसमें रखना चाहिए अपना हाथ। चलिए, हाथ ऊपर की तरफ, गुंजन हाथ ऊपर की तरफ, ठीक है। आंख बंद बेटा, संसार को क्या देख के करोगे, खुद को देखो। काउंटिंग पर ध्यान दो, रिलैक्स, बिल्कुल सांस को बाहर फेंकना ही नहीं है, धीरे धीरे निकलने दो उसको, ऑटोमेटिक। एब्डोमिन को काम करने दो अपने, शाबाश। रिलैक्स होकर करना है, ध्यान रहे जहां से सांस लेनी शुरू की है वहीं पर वो साइकिल खत्म होनी चाहिए, एक चक्र पूरा होगा। नासिका पे हाथ रखो, तुम्हारा हाथ हट रहा है बेटा, नासिका पे अपने नाक पे हाथ रखो, बिल्कुल रिलैक्स होकर फील करो ब्रीथ को, अंदर जाते हुए बाहर आते हुए। इसमें एक एडवांस वर्जन बताऊं, थोड़ा सा एडवांस वर्जन, मतलब अपने दिमाग को और कॉन्सेंट्रेट होने के लिए। जब आप ब्रीद इन करो, ठीक है, तो आप एक क्रॉस लाइन को अंदर जाते हुए देखो, मतलब एक नीली रोशनी अंदर जा रही है, ये नाक से अंदर जा रही है, आज्ञा चक्र के चारों तरफ घूम रही है, फिर आपकी बॉडी में अंदर जा रही है। आप उसको उसके साथ अंदर जाओ और उसके साथ बाहर आओ, ठीक है। आप सांस के साथ कहाँ से, बाएं से अंदर जा रही है, ये यहाँ पर गई, यहाँ से रोटेट हुई आज्ञा चक्र पे और फिर शरीर के अंदर चली गई, और उसी के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से बाहर आ जाओ, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, उसी के साथ जाओ और उसी के साथ बाहर आओ, अभी कट ऑफ हो जाओगे पूरी दुनिया से। हाथ चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर दर्द हो रहा है कंधे में। चलिए करिए, पता चल रहा है, मुझे तो पता चलना चाहिए ना, मेरे बच्चे कहाँ तक तैयार हैं, इन्हें पता चलना चाहिए। आईएएस में सक्सेस कई चीज़ों का फल होता है, ये परंपरा हमें तोड़नी है कि आईएएस की कोचिंग में एडमिशन ले लिया, अब आराम से सिलेक्शन हो ही जाएगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट, नाक को बंद करो बेटा, शाबाश, वेरी गुड शी, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। सांस को झटके से अंदर नहीं लेना है, रिलैक्स होके चलिए आराम से, रिलैक्स हो जाइए। अब आंख खोलने से पहले हाथों को आपस में रगड़िए, आंख मत खोलिए, पूरी ताकत से ऊष्मा पैदा करिए और अपने चेहरे पे रखिए, फेस पे, अपने हाथों पे, अपने थाइस पे हाथ को, और कोशिश करिए कि अपनी इस ब्रह्मांड से एनर्जी मांग लीजिए कि मुझे आज दिन भर अच्छा काम करने के लिए एनर्जी दीजिए।
30 सेकंड तक अपने अंदर स्थिर रहेंगे, स्थिर रहना जरूरी, आंख मत खोलिए, अभी मत भागिए संसार में, ये संसार आपको भटकाने के लिए है। अपने अंदर रुकिए, अपने आप को इस समय सजेशन दीजिए कि मेरा दिन आज बेस्ट होना चाहिए, अपना बेस्ट टाइम आप सोचिए कि आज आप पढ़ाई करके उठे, आज आपने आंसर राइटिंग कर ली है और जो बनना चाहते हैं उसकी छवि को देखिए, एक आईएएस ऑफिसर के रूप में आप कैसे दिखाई पड़ेंगे, वो ड्रेस, वो रुतबा, वो टेबल, 30 सेकंड तक इमेजिन करने के बाद आंख खोलिए। हमेशा एक्सरसाइज का एंड जो है वो प्राणायाम से करिएगा, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि बॉडी में जितनी भी हलचल हो रही है उसको रिलैक्स करेगा। कैसा लग रहा है? अब ये क्यों कराया गया है ये भी जान लो। पहली बात, मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी धीरे धीरे मस्कुलर एक्टिविटी स्लो हो रही है। जिसको जिसको भी झंझनाहट हुई है, दर्द हुआ है, एड़ी में खिंचाव है, वो ये समझ ले थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसको जितनी जल्दी रोक लोगे उतनी अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, और मैंने डे वन तुम्हें बताया था यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पहला। दूसरा, बार बार अपने माइंड को रिलैक्स करना है। तीसरा, अभी हम एक साइंटिफिक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं और वो है हमारे लाइब्रेरी का। ये वो लाइब्रेरीज नहीं है जहाँ पे बैठ गए वाईफाई चला के और हेड डाउन करके एसी चला के सो गए। यहाँ तुम्हें फिक्स शेड्यूल दिया जाएगा, तो उसमें एक शेड्यूल तुम्हारे ब्रेक का है। उस ब्रेक में तुम्हें, ब्रेक मतलब ये नहीं जाके कमरे में जाके सो गए, वहाँ तुम्हें ब्रेक इस तरह से लेना है जो हमारा आज जो हमने योगी प्राणायाम किया है, ठीक है, या इस तरह से हमने ब्रीदिंग की है या हमने ताड़ासन किया है, हमें लैक्टिक एसिड को फॉर्मेशन नहीं होने देना है। फिर चाहे आप 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे हम तुम्हें वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ कभी ऐसी नौबत आ गई कि हमें 4 ही घंटे सोने को मिल रहा है तो हमें बिल्कुल माइंड को एकदम फ्रेश करके काम करना है। ये नौबत आएगी जब एग्ज़ाम सर पे होगा, तो ये नौबत आएगी, रेगुलर नहीं आएगी लेकिन एग्ज़ाम से पहले आएगी, तो आप तैयार रहो ना उसके लिए। अब ऐसा ना हो कि उस समय आप कोलैप्स हो गए, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो पैराशूट की तरह आता है, वो पहले यूं उठता है 1 महीना 1.5 महीना उसके बाद, और उस समय एग्ज़ाम कहता है कि मुझे यहाँ चाहिए तुम यार, अब ये लास्ट रिज, तो ये वो यहाँ खड़ा रहता है, फिर वो सोचता है इस बार एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो वो नहीं करना है हमें, अभी से तैयार रहना है। किसको किसको पेन हुआ आज, ईमानदारी से बताओ, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ, गुड। तो इसका मतलब है आप 20 मिनट्स जो हमने मॉर्निंग रिचुअल दिया था सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई छूटा तो नहीं उसमें, चेंजेस आ रहे हैं उसमें, तो ये प्राणायाम अब आपको और एड ऑन करना है।